अनमोल स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट में नगर कौंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अविनाश रोगरा विशेष तौर पर पहुंचे। वे रिबन काटकर खेल का शुभारंभ किया। आज का मैच लारा 11 व तमिलनाडु 11 के बीच खेला गया, जिसमें लारा 11 41 रन से विजय रही। लारा 11 के साहिल डॉक्टर को 39 रन की पारी व एक विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। एक बार फिर मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूँ। अनमोल कप का महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय चल रहा है, 14वें अनमोल कप का जो खेला जा रहा है यहाँ पर टीम तमिलनाडु और पठानकोट के बीच। और इस मौके पर हमारे बीच हमारे जो माननीय मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अविनाश डोगरा, प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल सुजानपुर। सर स्वागत है आपका, अभिनंदन। हर वर्ष आप आते हैं, चौदहवें वर्ष में पहुँच चुका है। 14 साल में तो रामचंद्र जी का वनवास भी खत्म हुआ था, तो यूँ कह सकते हैं कि स्वर्णिम दौर सुजानपुर क्रिकेट का क्या शब्द है आपके पास? पहले तो मैं अनमोल स्पोर्ट्स क्लब इनके जो प्रधान चेयरमैन और जो इनके सभी पूरी इनके क्लब के जो भी इनके मेंबर हैं, ए से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक, सभी ही बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। 3-4-5 दिन पहले बारिश थी, उसके बावजूद भी इन्होंने ग्राउंड का बड़ी अच्छी तरह देखभाल की है, इसलिए ये सभी बधाई के पात्र हैं। और मेरे ख्याल में ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर ही नहीं, मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में इस प्रकार की टूर्नामेंट नहीं होती होगी, इसलिए मैं इनको बहुत ही बहुत बधाई देता हूँ कि आने वाले दौर में इससे भी अच्छी तरह कराएं, और मेरी तरफ से जितना भी सहयोग बन सकता है हम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट मोहिंदर वाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, बोलते कम हैं। चेयरमैन साहब हमारे लॉयन सुरेश कुमार महाजन, राजू सर्राफ जी थुरुराम एंड सन्स के अध्यक्ष भी हैं फिलहाल। सर स्वागत है आपका, कितना फख्र महसूस हो रहा है आपको 14वें संस्करण में? आज जो 14वां अनमोल क्रिकेट क्लब का जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें बहुत ही बढ़िया जो अच्छा महसूस हो रहा है कि पूरे इंडिया से जो टीमें खेलने आ रही है यहाँ पे, और आज जो हमारे बीच में म्यूनसिपल कमेटी के वाइस प्रधान श्री अविनाश डोगरा जी हमारे बीच में आए और बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जो इन्होंने बताया कि जिस तरह अनमोल क्लब के ए से लेकर जेड तक जो भी मेंबर हैं, जो भी सरप्रस्त हैं, सब मिलके एकजुटता से काम करते हैं। जैसे ग्राउंड जो बिगी हुई थी, पानी खड़ा था, उसको निकाल के बढ़िया काम किया। और जो आज मैच जो है पठानकोट टीम लारा क्लब की और चेन्नई से जो तमिलनाडु से आई है उनके बीच मुकाबला चल रहा है, और मैं चाहता हूँ इसी तरह ही बाहर से जो पूरे इंडिया से टीमें यहाँ हमारे खेलने के लिए आए और हमारा मान बढ़ाएं। जय हिंद। धन्यवाद। लॉयन सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर दो शब्द, आप बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, बड़ा अच्छा आपने मैनेज कर रखा है यहाँ पे, और आपकी आपके बिना ग्राउंड अधूरा सा रहता है, कुछ आप जरूर कहिए। सर सबसे पहले मैं तो डॉक्टर अविनाश डोगरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमें अपना जहाँ अपनाने का मौका दिया, और ये हर वर्ष हमारे पास आते हैं और अपने तन और मन धन से हमारी सेवा करते हैं, क्लब की सेवा करते हैं। उससे ज़्यादा हमारी क्लब के जो प्रधान हैं महेंद्र बाली जी, चेयरमैन सुरेश राजू जी, बाबा बिशन शाह जी हमारे आदरणीय, इन सब के सहयोग से बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चलता है। जो इस साल 14वां टूर्नामेंट हो रहा है, और मेरी तरफ से भी जितना होता है मैं पूरी मेहनत करता हूँ जहाँ पे आके, और सबसे ज़्यादा मैं बधाई का पात्र हैं मिस्टर शालू पारस शर्मा जी, जो बहुत ही दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए मैं सारी क्लब के मेंबरों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लॉयन सुरेंद्र शर्मा जी, ट्रेजरर, सभी पदाधिकारी गणों का, और ख़ासतौर से अपने जो माननीय मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अविनाश डोगरा, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल सुजानपुर, सीनियर रिपोर्टर लकी सरोज के साथ मैं अलंकार गौतम, सुजानपुर। धन्यवाद। विक्टोरिया स्टेट पठानकोट में खुल गया है डिस्काउंट वेयर हाउस शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे ब्रांड शूज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम एंड किचन अप्लायंसेस,
वो भी 50% डिस्काउंट पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम टू डिस्काउंट वेयरहाउस, बेस्ट प्राइस एनीवेयर, डिफेंस रोड, विक्टोरिया स्टेट, पठानकोट।